ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल को लेके हर यूजर का एक अपना अलग एक्सपीरियंस है। कुछ लोगों को बहुत कमाल अनुभव हुए हैं और कुछ लोगों को ऐसे दर्द भरे अनुभव जिन्हें वो भूल नहीं सकते। ऑर्डर करते हैं कुछ और पहुंचता है घर पे कुछ और, कस्टमर केयर से बात करते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, उसके बाद कुछ लोगों का रिटर्न हो जाता है, कुछ लोगों का नहीं हो पाता। ऐसे ही एक अनुभव के बारे में आज बात करने वाले हैं और कोशिश करेंगे एक ऐसे सजेशन को देने की जिससे कि शायद आने वाले दिनों में अगर कंपनी उस पर इंप्लीमेंट कर ले तो उन चीजों को वो खत्म भी कर सकती हैं। आइए देखते हैं वीडियो लास्ट तक और आपका कैसा अनुभव है वो आप नीचे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। दोस्तों ऑनलाइन शॉपिंग के आपके अपने अनुभव हो सकते हैं, लेकिन अनुभव अगर अपना ही बताया जाए तो ज्यादा सटीक और ज्यादा सही हो सकता है। वैसे तो हम आए दिन ऑनलाइन सोशल प्लेटफॉर्म्स पर लोगों का जो गुस्सा है वो देखते ही रहते हैं। अलग अलग लोग अपने प्रोडक्ट्स और डिलीवरी को लेकर कंप्लेंट करते हैं। मैं बात करता हूं अपनी दोस्तों रिपब्लिक डे सेल के दौरान अमेजोन पर कैमरा लेंस निकॉन का एक ऑर्डर किया, जिसके बदले में जो डिलीवरी की गई वो बहुत चौंकाने वाली है। फूजी फिल्म का इंस्टेक्स कैमरा जो सस्ता सा आता है दोस्तों 3,500-4,000 रुपए का, वो डिलीवर कर दिया गया। कहां लेंस और कहां इंस्टेक्स कैमरा, आप खुद समझ सकते हैं कि जो पैकेजिंग है उस प्रोडक्ट की, रैप जिसमें किया गया है, अमेज़न की टीम उसको भी जस्टिफाई नहीं कर पाती है कि लेंस क्या जो फ्रेजाइल कंटेंट है वो आइटम क्या नॉर्मल पैकेजिंग में जा सकता है। आई डोंट नो क्यों ऐसा होता है दोस्तों, लेकिन कस्टमर केयर पे बात कीजिए, फिर वो लॉन्ग प्रोसेस है बहुत लंबा कि 3-4 दिन इन्वेस्टिगेशन में लगेंगे, पूरी टीम लगेगी, ऐसा लगता है कोई एक सल्तनत को फतेह करने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल कब तैयारी होगी, कब फतह होगी, कुछ पता नहीं है। कस्टमर केयर से बात हुई है, वो सारी चीजें जैसे एक टिपिकल नॉर्मल किसी भी कस्टमर के साथ होता है वही सब कुछ चल रहा है। तो चलिए बात करते हैं कि ऐसी रॉन्ग डिलीवरीज आखिर होती क्यों है और क्यों कस्टमर्स को इस तरह की तकलीफों को झेलना पड़ता है। ये सिर्फ अमेज़न की बात नहीं ना फ्लिपकार्ट की बात है, जितनी भी लीडिंग ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स हैं सब में एक जैसा ही झमेला है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, बहुत सोचने के बाद मैंने एक चीज पर निष्कर्ष निकाला कि जो सेलर Amazon पर या शॉपिंग पोर्टल्स पर अपने आप को रजिस्टर रखते हैं उसमें से बहुत से सेलर ऐसे हैं जो आपको हर जगह कॉमनली मिल जाएंगे, जो चाहते हैं कि वो गलत प्रोडक्ट डिलीवर कर दें, बाद में रिटर्न हो ना हो, अगर ना हो तो वो उनके पैसे उनके लिए फायदा हो गया, और अगर हो जाता है तो वापस रिटर्न करके माफी मांग लेंगे कि गलती से किसी ने हमारे दुकान से या हमारे गोदाम से किसी ने पैकेजिंग कर दी लेबर ने गलत, और वो इस तरह की बातें करके वो अपना पल्ला जो है वो झाड़ लेंगे। तो इस तरह के सेलर से सबसे पहले तो इन बड़े ब्रांड्स को निपटना होगा और सख्ती से निपटना होगा। कोशिश ये कीजिए आप लोगों के लिए एज अ कस्टमर, आपके लिए सजेशन ये है कि आप सिर्फ उस प्रोडक्ट पर ज्यादा फोकस कीजिए जो ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल खुद अपने हैंड से डिलीवर कर रहे हैं। यानी कि जो नीचे सेलर लिखा होता है ना, कोई भी प्रोडक्ट आप परचेस करते हैं उसके नीचे दिया होता है कि ये कौन सेल कर रहा है, तो उसमें आप कोशिश कीजिए कि वो फ्लिपकार्ट का अपना हो, अमेज़न दिया हो, शॉपक्लूज हो, जो भी हो उनका अपना हो। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी टीम की जिम्मेदारी होगी तो कंपनी ज्यादा तेजी से उस पर काम कर सकती है। थर्ड पार्टी सेलर है तो उस पर उतना तेजी से वो एक्शन नहीं ले पाते हैं, उसमें बहुत सारा झमेला रहता है, इधर उधर की बातें ज्यादा होती रहती हैं। दूसरी चीज, Amazon या किसी भी शॉपिंग पोर्टल को एक काम तो दोस्तों जरूर करना चाहिए, और इस सजेशन के बाद आप बताइएगा क्या आपको भी लगता है कि ऐसा होना चाहिए। क्यों ना कंपनीज अपने जो सेंट्रल उनके जो वेयर हाउसेज हैं, हब हैं, जहां पर कि हर जगह से आसपास के 5-6 डिस्ट्रिक्ट से या नजदीक के शहरों से जो पार्सल आते हैं वहां पर, और वहां से फिर वो अलग अलग जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, क्यों ना वहां पर वो एक्सरे मशीन या सीटी मशीन जो एयरपोर्ट्स पर हम लगेज चेक करने के लिए सिक्योरिटी की तरफ से यूज की जाती है वो लगाते हैं। जो भी पार्सल आ रहा है डिलीवर होने के लिए एक बार उसको उस एक्सरे मशीन से गुजार के देख लो ना, सीटी मशीन से गुजार के देख लो, पता चल जाएगा उसके अंदर आइटम कौन सा है। क्यों कस्टमर को परेशान करते हैं, वहीं पर पता चल जाएगा ना, आपकी अपनी टीम वहां लगी हुई है, वो एक्सरे से गुजार के पार्सल को देख लेगी कि जो प्रोडक्ट कस्टमर ने ऑर्डर किया है क्या वो एग्जैक्ट है, और एक टैग उस पर ओके का लगा दीजिए कि चेक हो गया एक्सरे मशीन से, और अगर उसमें गलत प्रोडक्ट पाया जाता है तो आप कस्टमर के पास भेजिए ही नहीं ना, क्योंकि कस्टमर को तकलीफ गलत प्रोडक्ट पाने से ज्यादा होती है
डिले होने के मुकाबले में आप डिले कर दीजिए एक दो दिन, दोबारा से जो उसको जेन्युइन प्रोडक्ट चाहिए था वही डिलीवर करवाइए, तो आपकी भी झंझट खत्म और जो कस्टमर केयर में इतने इतने आपने एग्जीक्यूटिव लगा रखे हैं जो चार चार पांच पांच दिन इन्वेस्टिगेशन के लिए मांगते हैं ना, उन लोगों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये जो रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवरी वाला जो झंझट है वो सिर्फ इस एक मशीन से पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, क्योंकि बॉक्स के अंदर पार्सल के अंदर क्या गलत प्रोडक्ट है वो वही पता चल जाएगा और कस्टमर को उस चीज की दिक्कत फिर झेलनी नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है कि इससे बड़ा सजेशन और इससे बड़ा इंप्लीमेंट ये शॉपिंग पोर्टल्स इस गलती को रोकने के लिए नहीं कर सकते और ना कोई हो सकता है। गलती सेलर गलत प्रोडक्ट भेज सकता है, लेकिन आपके अपने हैंड पे इस चीज को आप सुधार सकते हैं, वहीं के वहीं उसको रोक सकते हैं, और जो गलत सेलर इस तरह के प्रोडक्ट बार बार भेज रहे हैं उनको आप ब्लैकलिस्टेड भी कर सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म से। बाकी दोस्तों, आपने कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर किया जो गलत मिला है, या उसकी जगह पे आपने कोई सस्ता ऑर्डर किया आपको महंगा प्रोडक्ट मिल गया, महंगा ऑर्डर किया सस्ता प्रोडक्ट मिल गया, या रिटर्न नहीं हुआ या आपको रिफंड नहीं हुआ, कुछ भी आपका एक्सपीरियंस है नीचे कमेंट करके बताइए। इस छोटी सी वीडियो में दोस्तों मैंने इम्प्लीमेंटेशन को लेके जोर दिया है, हो सकता है ये बात वहां तक पहुंच जाए और इस चीज पर अमल हो जाए आने वाले दिनों में, कंपनीज अपने इस तरह के जो सप्लाई चेन है उसको सुधार सकें। बाकी आप बताइए क्या ये सजेशन बिल्कुल ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे और वीडियो के साथ, तब तक अपने ख्याल जुड़े दीजिए। हम साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद।